गोवा के करलीज पब का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और सोनाली को एक साथ डांस करते देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखाई दे रहा है कि सुधीर अपने हाथ से जबरदस्ती सोनाली को कोई ड्रिंक पिला रहे हैं। बता दें, सोनाली के मौत के मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सोनाली का सुधीर सांगवान, दोस्त सुखविंदर, गोवा करलीज पब का मालिक और ड्रग पैडलर शामिल है। सुधीर और दोस्त सुखविंदर को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इन दोनों पर सोनाली की हत्या का आरोप है। पुलिस ने सोनाली की मौत में हत्या की धारा भी जोड़ दी है। पुलिस ने गोवा के अंजुना बीच स्थित करलीज पब के मालिक और उस ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सिंथेटिक ड्रग्स होटल के उसी बाथरूम से मिला है जहां पर सोनाली गई थी। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 1.5 ग्राम MDMA ड्रग बोतल में डालकर पार्टी के लिए तैयार किया गया था। इसी बोतल से सोनाली फोगाट को ड्रग दिया गया, जिसे पीने के बाद सोनाली की हालत ज्यादा खराब हो गई। वहीं अब गोवा पुलिस की जांच पब में मौजूद लोगों पर चल रही है, जो उस रात पार्टी में मौजूद थे। इस मामले में पुलिस अब 2 लड़कियों की तलाश कर रही है, जो कि घटना वाली रात करलीज पब में मौजूद थी। साथ ही पुलिस सुधीर से 2 मिस्ट्री गर्ल्स के बारे में भी पूछताछ कर रही है। बता दें, सोनाली केस प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता इस केस की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने सोनाली फोगाट की हत्या की जांच CBI से कराने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में जुटी हुई है। गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता माइकल लोबो ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, कई नेताओं ने कहा कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन अंत में उनकी हत्या किए जाने की बात सामने आई है। हत्या के इस मामले में जो सामने दिखाई दे रहा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ छिपा है। हर पहलू की जांच किए जाने की जरूरत है। सच्चाई का पता लगाने के लिए इस तरह के मामलों की CBI से जांच कराए जाने की जरूरत है।